तो किसने पहले हाथ में लिया? There was no road. No road to the Zambia. Even nowadays we have seen that there is a road, but it is not so good. We have to travel by foot or by on bullock cart to Zambia. In 54, our institution started, Sarparanka Spindle, started these residential schools. And with this experience, in 1971, my father decided to start a residential school in Kadriya, Zambia, so that we could provide education to the tribal people there. ये गांव का नाम है जामनिया, ये यावल तालुके के अंदर आता है। स्कूल का नाम है जामनिया गाडरे आश्रम स्कूल। 161 लड़के हैं और 119 लड़कियां हैं, पहले से लेकर तो 10वीं तक। यहाँ रहने के लिए उनकी व्यवस्था है, यहाँ बच्चों को 3 टाइम खाना मिलता है, हम सारे टीचर यहाँ मुक्का में रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। Students who comes to school, they are facing many problems. First problem is that is language problem was that, because their dialect is different than the languages in the books. So we have to taught them with their language, that is we have to translate them the some words in their languages and then they can follow. तो नीचे कैसा है कि भाई सिटी में माँ बाप पढ़ा पढ़ाई बच्चे को लेके जाते हैं, फिर बाहर ट्यूशन लगाते हैं, वो करते हैं, यहाँ कोई ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आज नीचे से आज यहाँ जो प्रगति है मेरे हिसाब से अच्छी है। पानी काय कर दो, बॉईल काय कर दो रे।
तो कितना साल में शादी किया था तुमने? 12-13 साल में शादी हुआ था। और उनका अभी कितना उम्र है बहू का? उनका अभी होगा 18। तो दोनों 18 है अभी? ज़्यादा होंगे तो बहू बड़े हैं। इनकी कितना उम्र है? 2 साल। और उनका 1 साल? नहीं, 1 साल नहीं, 1 महीना। 1 महीना हुआ। खुश हो परिवार से? खुश। इन्होंने जो जंगल काट के जो नवाड़ यानी कि खेती निकाली है, और खेती में काम करने वाला कोई नहीं रहता, और खेती में काम करने वाला कोई नहीं रहता तो बच्चा छोटा भी रहा, 10 साल का ही बच्चा रहा तो वो 16-17 साल की लड़की लेके आते, क्योंकि वो खेत में काम करने वाला कोई तो भी होना चाहिए। तो इनकी वजह से कैसा है कि भाई कम उम्र में शादी हो जाती है बच्चे की, इसलिए वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते कि भाई लड़का लड़की को दहेज देता है यहाँ कि भाई 15,000 में इनका तय होता है कि 15,000 में उसकी शादी हो गई तो उसके लड़के के माँ बाप को 15,000 देना पड़ते हैं। फिर उसके बाद में वो छोटा लड़का रहने की वजह से वो भाग जाती, फिर जिसके पास जाएंगी वो 15,000 देता, तो ऐसा है जो बूढ़ी होएंगी तब तक ये 15,000 की उसकी जो कीमत है वो कीमत हमेशा के लिए उसकी 15,000 हो जाती। तो भाई वो क्या समझते हैं कि भाई अपने एक सालदार रखे तो सालदार को कितना पैसा देना पड़ता है? 50-60 हज़ार रुपये देना पड़ता है एक साल काम करे तो। तो ये लड़की अगर 15,000 में समझा आ गई तो फिर वो 15,000 में वो उसकी शादी हो जाती है, तो भाई एक साल भी काम करा तो उनके 15,000 तो वापस मिलने वाले हैं, वो थोड़ी जाने वाले, वो जहाँ भी भागेंगे वो जो भगा के लेके जाएंगे वो 15,000 उनको वापस देने वाला है। सर वो लड़की के लिए नहीं जाता, पैसे के लिए जाता है? हाँ, पैसे के लिए जाता है कि भाई मैंने उसके माँ बाप को 15,000 दिए थे तो तुम मेरे 15,000 वापस दे दें, बात खलास। बोलिए आपको पुलिस पटेल क्यों बोलते हैं सब लोग? पुलिस पटेल यानी गांव का मुखिया रहता, और हर काम बोलो पुलिस पटेल के इसमें आता, कहीं शादी ब्याह कई कारण कोई मौत हुआ क्या हुआ तो पुलिस पटेल बिना काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पुलिस स्टेशन कुछ नहीं है? पुलिस स्टेशन नहीं, अब यहाँ पुलिस है, पुलिस पटेल करके हम कई भांडोड़ वगैरह हुई तो अपन वहाँ जाके खबर देते पुलिस स्टेशन। आपके बहु ही सरपंच है ना? हाँ, सरपंच का काम भी करते है और उनके बदले वो लड़का भी काम करता। नहीं, वो गवर्नमेंट आपकी बहू को चुन लिया था। हाँ, हो लोगों ने आपके बहू को चुन लिया था? चुन लिया। तो उनके पति क्यों काम करते हैं? वही क्यों करना चाहिए ना? तो वही दोनों मिलके करते हैं वो। सब कौन सा काम तो वही कर लेते ना। एक सैंपल दे दीजिए, आप क्या बोल दिया था उस टाइम पे? क्या तारा वोटिंग देना, कुछ तुम्हारे लिए भी करेंगे गरीबों के लिए। जब आप सरपंच बन गया तो आप क्या करते हैं गरीबों के लिए? सहायता कुछ भी गरीबों की। तो आप आपके पास आते हैं और आपके पति के पास आते हैं? पति के पास। दूध में अपना दूध चढ़िया नहीं घालने के लिए। आप ये सरपंच की व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए, यहाँ सरपंच क्या होता है? कैसे सरपंच चुनाया जाता है? यहाँ तो पहले मेंबर चुनते हैं, मेंबर चुनने के बाद फिर जो मेंबर ने जो आदमी अच्छा लगे उसको तो बीबी तो खेती में काम कर रहा है। देखो
शिक्षित कम है, जो मेरे घर वाले हैं उसकी वजह से जो काम आते हैं सब देखना पड़ता है, घूमना पड़ता है, और लोग ज़्यादातर उनसे थोड़ी बात करते हैं, हमारे से ही ज़्यादा करते हैं, तो फिर सब दिन लोगों से हमें ही करना पड़ता है। तो अगर कुछ साइन वगैरह करना है तो वो करेगा। हाँ, वो लेकिन कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ जाते हैं बेटी है अगर टिपऱ्या घेऊन गुजराती लोक हा नाच करत असतात हे लक्षात ठेवायचं ना, का शूटिंग आली तर तुम्ही केलंय। यहाँ पर जो है यहाँ पर लेबर नहीं मिलते, लेबर मतलब मजदूर नहीं मिलते हैं, तो जिनके घर की खेती है टोटली सभी के और खेती है खुद की, और वो लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को खेत में काम करने के लिए लेके जाते हैं, इसलिए एक परसेंटेज कभी कभी कम रहता है। छुट्टी लेकर जाते हैं कि भाई हम घर काम है त्यौहार है ऐसा जाते हैं। अगर बच्चों को हमने रोका, अगर नहीं जाने दिया तो फिर वो बच्चे बिना पूछ के चले जाते। पहले विद्यार्थी हमिद थे इसको ये जामने में, यहाँ क्या एक प्रॉब्लम वैसा कि गांव के लड़के गांव में नहीं सीखते करके हमने स्वयं बाहर भी भेजे, बाहर वाले लड़के गांव में अच्छे सीखते, क्या अपन भेजते ना नदी नाले में छुप जाते, छुट्टी होने के बाद वो आते अपने को क्या लगता कि स्कूल में गया। वही एक कारण है जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते, और कुछ कारण हो सकता है? यानी कि भाई यहाँ के जो लोग है टोटल आदिवासी है, जो पिताजी है उदास है पढ़े के बारे में, तो कहना मेरा यह है कि भाई सरकार से एक निवेदन करता हूँ कि भाई निवेदन तो कि भाई कैसा करना चाहिए कि भाई जैसा टीचरों को बोधरेशन लाते हैं कि स्कूल में बच्चा होना, लेकिन ऐसा पिताजी को भी बोधरेशन होना कि भाई अपना बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। जैसे कि भाई पिताजी का अगर राशन कार्ड आया एक महीना पर बच्चा स्कूल में नहीं आता है तो उसका राशन कम कर दिया तो बराबर दूसरी बार बच्चा अपने स्कूल में भेजेगा। वेरी गुड, ये हाथ आपका और ये हाथ आपका। हेलो सेंटी, हेलो बटलर, हेलो सर, हेलो सिरा, हेलो विनायक। या देखा दोस्त से हम क्या करते हैं, सब सांस लो, इसको क्या बोलते हैं? नोज। आईज। 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 टीथ का है, टीथ। ये क्या है? हेयर। 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 नमस्ते, आपका ये मूछ सरपंच के लिए रखा है? हाँ सरपंच रखते हैं मूछ ऐसे? नहीं नहीं कोई कोई रखते, ये देखो ये तो एक अपनी आइडेंटिटी है। हाँ जी, क्या बोलते हैं मूछ बोलते हैं और क्या बोलते हैं? नहीं नहीं क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? पहचान, पहचान होना, और भगवान ने दिए तो उसको पालना भी जरूरी है ना। Thank you.
लेकिन ये तो विश्लेषण कैसे सीखे है ये? हमारे भाई अपने साथियों की किताब में तेरा उद्भव पातन क्रिया है सर। वहाँ से ये अब देख लो, अब देख लो नहीं टुक टुक गिर रहा, टिक 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 कर रहा है, वाप जाती वाप। ओ ओके, वेपर होता है, नॉट यूज द केमिकल। हाँ पर भर गया तो ऑलरेडी। यानी जैसा हमारा मोहल्ला है कि नहीं, तो हमारे मोहल्ले में ये ठिकाना, दूसरे मोहल्ले वाले दूसरा ठिकाना। इसका शोक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरा सब कुछ भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। One problem is that village is likely to be secret. The forest department is going around that this village should be shifted elsewhere. And for that purpose, if we spend some money to build houses or build sub quarters and like this, then the money will be in vain. Teachers can manage themselves. So we have not built it the staff quarter first. We have decided to build the classroom first. पानी में आता ये तट्टे के अंदर से आ जाता कभी कभी। ओह। ये सब हमारा फ्रिज है ही। सब है। ये फ्रिज है आपका। ये तट्टे बहुत जूना है, 12 साल का। बारिश की वजह से फिर गिर जाता। बहुत मेहनत करनी पड़ती। ये तो यही अपना घर है। हाँ यही अपना घर है। ये बच्चे सब अपने। बुखार है? सुनील के क्लास से कोई इसका शादी हुआ है? अनिल, अनिल की शादी हुआ है। तो शादी के बाद भी वो पढ़ते हैं? हाँ। आपका क्लासरूम और बेडरूम एक ही है? हाँ। बड़े के इंजीनियर। इंजीनियर तुम? पुलिस। पुलिस को डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत बढ़िया। कौन सी हीरोइन पसंद है? हीरोइन करीना को। हाँ 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 यहाँ सोते हो कैसा? ये बच्चे नजदीक है रहे थे ना। हाँ इसलिए ये आपकी लड़की है। परिवार से थोड़ा अलग है और यहाँ पे पहले मेरा बच्चा रहता था, ये वातावरण की वजह से उसको कफ और इसका प्रॉब्लम आता था उसको ज्यादातर, तो अभी 2 साल से उसको हमने फैजपुर में रखा है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं अभी 14 साल हो गए समझो। सुबह से लेकर शाम तक रात तक बच्चों के साथ में अच्छा लगता, बैठना उनको सिखाना, उसके साथ खेलना, सब दिन चला जाता। आपका बच्चे कितने उम्र के अभी? 12 साल का है। तो आपको मिस कर रहे हो ना उनको? मिस तो करता हूँ, हम उसको भी करते ना, वो भी हमको मिस करते।
partly as a result of my involvement in India. I became interested in teaching a subject called community studies. As a result of that subject, we became involved with a project called the Ceres Project. Ceres involvement has always been an exploration. We are seeking to find how you can share skills, share knowledge. And it has big, strong legs and a big, strong tail. When we got to Zamnia schools, we discovered it is very hard to get teachers to go to Zamnia because it is so remote and the accommodation for teachers is so bad. So we thought one of the contributions we can make is to make the accommodation for teachers better so that it is attractive for teachers to come to. He also shoot me? Yes, so our quarter is here. We have made it. ये हमारी ऐसी रूम है इस प्लेस में आई सैल्यूट द सर्विसेज ऑफ पीपल हु हैव वर्क्ड इन दैट एरिया वी आर जस्ट मैनेजिंग द मैटर्स एट द सेंट्रल लेवल बट दीज आर द पीपल हु आर रियल वर्कर्स एंड हु हैव बिलीव इन देयर हार्ट्स ये क्या बोल रहे भैया So we adopted a project of developing improved accommodation for teachers. As environmentally efficient as possible. So we explored some building techniques that we'd learned from Oroville down in the south, making compressed mud, cement, stabilized bricks. We worked out a design that was appropriate for local people, and this year made connections with the university, Swinburne University in Melbourne. Students came and began making bricks and began constructing that building. So these particular bricks are local soil with a local sand, and then we add 5% cement. So a great material, not just because it's cheaper, also it performs better as a building material. It breathes, it's warmer in winter, it's cooler in summer. Big nuts. Dance. Now we've shared a bit with the local tradespeople, and they teach us a bit and we teach them a bit. And a bit sad to leave, really. But definitely have to come back one day. I want to see a big house, okay? Yes. Big house. Yeah. Project to me, I think, is fantastic because you
teachers can see. You can see the smile on their faces when we ask. All of a sudden, this new beautiful accommodation is appearing, and it's within sight now. It's only maybe 3 months, 6 months away, maybe less than that. Yeah, so it's very exciting. Are you open to other individuals helping Jamia, like teachers or volunteers? Yes, we welcome them. We can provide them food and we can provide them accommodation to live there. And if they are willing to come to help us, welcome them.